सियासत की दुनिया में कई बार किस्मत का खेल भी अहम होता है। सामने खड़ी हार की बाजी भी बिना किसी मेहनत और प्रयास के जीत में बदलती नजर आती है। यानी हार जीत के इस खेल में खिलाड़ी अपनी मेहनत पर कम और परिस्थितियों पर ज्यादा निर्भर होता है। रांची लोकसभा में भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के साथ भी कुछ यही होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद के पहले तक यह माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस रांची लोकसभा सीट के लिए मजबूत सियासी बिसात बिछाने वाली है। अब तक के सियासी शिकस्त से सबक लेते हुए सामाजिक समीकरणों को देखते हुए किसी मजबूत चेहरे पर दांव लगाने वाली है, लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वर्ष 2019 के मुकाबले में संजय सेठ से करीबन 3 लाख मतों से हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस ने एक युवा और सियासी डगर से अनजान चेहरे पर अपना दांव खेला है। बताते चले कि यशस्विनी सहाय, जो कि पूर्व मंत्री और रांची संसदीय सीट से 3 बार के सांसद सुबोध कांत सहाय की बेटी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, सियासी गलियारों में कांग्रेस की इस रणनीति पर सवाल खड़े किए जाने लगे। इस सियासी भिड़ंत में संजय सेठ की जीत सुनिश्चित माने जाने लगी और अब इस जीत पर मुहर लगाने का काम पीएम मोदी ने कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रांची में झारखंड का अपना इकलौता रोड शो करने का ऐलान कर दिया है। 3 मई को पीएम मोदी राजधानी रांची में अपना लंबा रोड शो करेंगे और इसके साथ ही झारखंड की कुल 14 सीटों पर भाजपा की जीत की हुंकार भरेंगे। बहरहाल, मोदी के इस रोड शो से निश्चित रूप से झारखंड की सियासत में रफ्तार देखने को मिलेगी। अब तक कछुए की चाल से आगे बढ़ती चुनावी संग्राम के बीच नए मुद्दे और नारों की एंट्री होगी, जिसके बाद पूरे झारखंड में सियासी समीकरण में एक बदलाव की झलक देखने को मिलेगी। हालांकि पीएम मोदी का यह करिश्मा झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में कितना प्रभावकारी होगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कम से कम राजधानी रांची के शहरी मतदाताओं के बीच निश्चित रूप से भाजपा के लिए प्राणवायु साबित होगा। वैसे भी शहरी मतदाताओं को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। इस हालत में संजय सेठ के लिए यह एक वरदान से कम नहीं होने वाला है। वैसे भी यशस्विनी की एंट्री के बाद संजय सेठ की राह अब आसान मानी जा रही थी, लेकिन अब पीएम मोदी के इस रोड शो के बाद रही सही कसर भी पूरी होती नजर आ रही है।